हाय फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे खट्टी मीठी आलू की सब्जी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे 5 से 6 टेबलस्पून तेल और हाई फ्लेम पर इस तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून राई, और राई को तेल में हम अच्छे से चटकने देंगे। इसी के साथ हमने इसमें ऐड कर देनी है 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। गैस की फ्लेम को अब मीडियम कर देंगे और राई को तेल में अच्छी तरह चटकने देंगे। ये देखिए, हमारी जो राई है वो अच्छी तरह से चटकने लगी है। अब हम इस तेल को पूरे पैन में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे आलू। देखिए, यहाँ पर हमने 800 ग्राम आलू लिए हैं, जिनको छील कर हमने इस तरह से कट कर लिया है और हमने इन आलुओं को 2 से 3 पानी से अच्छी तरह धो लिया है। ये जो आलू है उसकी क्वांटिटी 800 ग्राम है। अब आलू को तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इन आलूओं को 2 से 3 मिनट के लिए तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हमने आलूओं को हाई फ्लेम पर तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छे से आलू के साथ हल्दी पाउडर और नमक को मिक्स कर लेंगे। हम इसमें ऐड कर देंगे छोटी हरी मिर्च। हमने यहाँ पर 8 छोटी हरी मिर्च ली है, जिनको हमने बीच में से इस तरह कट कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो करके इसे ढक देंगे, और इसे ढक कर हमें लो फ्लेम पर कुछ देर तक पकाना है। देखिए, जब हम इसे ढक कर इस पर पानी से भरा एक बर्तन रखेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो सब्ज़ी है वो नीचे लगेगी भी नहीं और हमारी सब्ज़ी जल्दी पक जाएगी। यहाँ पर इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने इसे ढक कर इस पर पानी से भरा एक बर्तन रखा था तो वज़न की वजह से ये जो सब्ज़ी है वो जल्दी पकने लगेगी। इसलिए अब हम इसे लो फ्लेम पर सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसे ढक कर इस पर वज़न रखेंगे और लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और पका लिया है। अब हम इसे एक बार और चेक कर लेंगे। क्योंकि ये आलू की खट्टी मीठी सब्जी है, इसलिए इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अमचूर। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून चीनी। देखिए, आप यहाँ पर अमचूर की जगह एक नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हाई करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। देखिए, हमने इसमें चीनी और अमचूर ऐड करने के बाद इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। देखिए, वैसे तो कड़ी पत्ता जो है इसे हम राई के साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसका तड़का लगाते हैं सब्जी में तो इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। इसलिए अगर आप इसका तड़का ना लगाना चाहो तो राई के साथ भी कड़ी पत्ते को ऐड कर सकते हो। 5 से 7 सेकेंड के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हमारा तड़का जो है वो तैयार है। हमारे तैयार किए हुए तड़के को ऐड करेंगे आलू की सब्जी पर और इसे गार्निश कर लेंगे हरे धनिए से। इसी के साथ हमारी खट्टी मीठी आलू की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसे गर्मा गर्म चपाती या फिर पराठे के साथ सर्व कर लेंगे। देखा आपने,
कितनी आसानी से और जल्दी हमने खट्टी मीठी आलू की ये सब्ज़ी बना ली। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।